जाना था छोटा लद्दाख, लेकिन टाइम बहुत है, आज पूरा दिन है, धूप वूप भी बहुत हो रही थी. सो वी थॉट कि यार थोड़ा आगे पीछे जगहें ढूंढते हैं कहाँ कहाँ और जा सकते हैं अलॉन्ग विद छोटा लद्दाख. सो वी केम एट द स्पॉट, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा आगे पीछे ही है छोटा लद्दाख से, एंड दिस इज अंतरगंगे केव्स. चलते हैं यहाँ पर और मैं तुम्हें साथ साथ इसकी स्टोरी भी बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी रास्ते में आते हुए थोड़ा बहुत पढ़ा. एंड यहाँ क्या है, ओके लेट्स गो. दिस इज द एंट्री पॉइंट, यहीं बाहर ही आपको पार्किंग मिल जाएगी. एंड या लेट स्टार्ट. एज आई रेड ऑनलाइन देर आर 200 स्टेयर्स टू क्लाइंब ऊपर मंदिर तक जाने के लिए. सो यहाँ पर एक मंदिर है, उसकी स्टोरी मैं तुम्हें ऊपर चल के बताती हूँ. अभी मुश्किल से 20-30 स्टेप ही चले मैंने, एंड बहुत सारे मंदिर हैं. तो गाइस टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स व्हेनेवर यू कम हियर. लोकेशन तो काफ़ी सॉर्टेड लग रही है, लेकिन यार ये हरकतें मत किया करो. मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं समझाती हूँ हर वीडियो में. यू कैन सी ऑल द कचरा. लोकेशन इज टोटली ऑन पॉइंट. यहाँ पर छोटी सी शॉप है कच्ची कैरी और कुकुम्बर्स की. और यहाँ बंदर ही बंदर है हर जगह. दे आर एक्चुअली को एग्जिस्टिंग विद द ह्यूमंस हू लिव हियर. वो वॉशरूम भी है यहाँ पर, FYI. ये मंदिर के पेड़ों पर भी ये हरकतें करनी नहीं छोड़ सकते लोग. कौन सा प्यार निभाते हो यार तुम लोग पेड़ों पे नाम लिख के. यार अगर तुम्हें बंदरों से डर लगता है तो देख कर आना यहाँ पे. ऐसे नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, बट कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बंदरों से. तो चलते हैं आगे. और इनका चल रहा है कुछ कुछ तो. ईस्ट द टेंपल प्रीमाइसेस एंड दैट्स हाउ इट लुक्स. यहाँ पर थोड़ा सा बैठते हैं एंड आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस टेंपल एंड पॉन्ड. ओके गाइस स्टोरी टाइम. पहले जरा तुम थोड़ा सा ऐसे मंदिर देखो, उसके बाद में तुम्हें स्टोरी बताती हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे घर पे रिसर्च करने का, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत ही सडन प्लान अभी गाड़ी में आते आते ही बना, तो कैसी मैं रिसर्च करती. बट एनीवे लेट मी टेल यू. सो बेसिकली अंतरा गंगा या अंतर गंगे जो इस जगह का नाम है, इज अ माउंटेन सिचुएटेड इन शथसरुंगा. ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा. माउंटेन रेंज इन द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया. सो बेसिकली कर्नाटका में ये एक माउंटेन है, ठीक है. कोलार डिस्ट्रिक्ट, अगर तुमने देखो तो KGF जो मूवी शूट हुई है वो भी इसी यहीं की ही स्टोरी है वो. एनीवे सो बेसिकली यहाँ इसका मतलब है अंतरगंगा का गैंजेस फ्रॉम द डीप, एंड इट हैज हाई रिलीजियस सिग्निफिकेंस.
सो दिस इज श्री काशी विश्वेश्वर टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. और यहाँ पर ये वाला जो पॉन्ड है इट गेट्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द माउथ ऑफ भस्वा विच इज माउथ ऑफ द बुल. वो आई गेस इट इज दैट साइड. अभी वहां पर जाते हैं हम लोग, और हम लोग का मतलब तुम और मैं, और देख कर आते क्या है. अभी वहां लोग हैं थोड़े से. सो इट इज बिलीव दैट अगर आप यहाँ से पानी पीते हो इट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ डिसीजेज एंड बुरे कर्म. तो लेकिन यार ये वाला पानी तो आई डोंट रियली थिंक पीने लायक है. इट इज हाईली डर्टी. बीमारियां तो हो ही जाएंगी अगर इसको पी लिया तो. दूर तो पता नहीं होंगी नहीं होंगी, लेकिन वहां पर आई गैस एक बार जाकर देखते हैं क्या सीन है. अभी एक बार अंकल आंटी चले गए. हाँ तो यहाँ पर ये टेम्पल है एंड इससे ऊपर पीछे की साइड से यहाँ से केव का रास्ता शुरू होता है और वहाँ ऊपर जाकर वाटरफॉल्स भी हैं. अभी आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट देयर और नॉट, बट साथ साथ ही देखते हैं. आई मीन जा पाते हैं नहीं जा पाते तो वेट फॉर इट. लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट. पानी बेसिकली यहाँ से आ रहा है. बुल्स माउथ और यहाँ से आता है पानी. दैट्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर वाटर इज कमिंग एंड लाइक को ट्राई आर लक ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर एंड पाप वाप धोते हैं सारे अपने. एडवेंचर सही था यार यहाँ पानी पीना. बट प्यास बहुत लग रही थी तो ठीक है. Here are the trekking details. देखो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है और 2 घंटे का रास्ता है. टाइमिंग 6 से 11, 250 पर हेड. सो यार आई डोंट थिंक ये 2.5 घंटे का ट्रैक हो पाएगा और ये सही टाइम भी नहीं एक्चुअली करने का. अगर आना हो तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग आओ एंड पहले से प्री बुकिंग करा कर आओ. एंड एज आई जस्ट रेड ऑन इंटरनेट यहाँ पर नाइट ट्रैकिंग और कैंपिंग होती है ऊपर. सो मे बी सम अदर डे आई विल प्लान फॉर दैट. एंड फॉर नाउ आई विल जस्ट गो एंड फाइंड आउट हाउ छोटा लद्दाख इज. तो यार दैट्स ऑल फ्रॉम अंतर गंगे. बट यार मैंने पाप धो लिया अपने अभी भी पानी पी के. स्काई इज प्रीटी गुड. बट लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ हाउ द ट्रैक लुक्स लाइक. सो बेसिकली ये सारे स्टोन्स ही हैं ऊपर तक. आई बिलीव रास्ते में रास्ता भी बना होगा ऑब्वियसली. 2.5 घंटे का ट्रैक है, इट्स नो जोक. तो बट हम लोग अभी चलते हैं नीचे बिकॉज गाइस नो टाइम. एंड अकेले तो ये क्यों ही करना है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो जाएगा. ये देखो ये देखो यहाँ तक कचरा. क्यों यार क्यों. यहाँ पर है मेन जो शिवा टेम्पल है. यार यहाँ पर तो अलग ही लेवल मंकीज हैं यहाँ पर. ओ शी इज फीडिंग देम एक्चुअली. आंटी क्या है ये चावल? हाँ खाते हैं ये. कुछ कहते नहीं है, काटते नहीं है. तो ऐसे भी नहीं काटते नहीं है. मैं आ जाऊँ आपके पास? मैं आपके पास आ जाऊँ? मैं आपके पास आ जाऊँ? वीडियो ले फोटो लेना. हाँ I'm trying to go to auntie and get some shots from that point. Okay. मैं दूँ? बड़े. किसको दूँ? बड़े आदर के. अरे पीछे पूछे. पूछ में बंद कर. उन लेके चला के. ना ना माँ. आदर कोड़ी कोड़े आदर के. अरे वाह. Feeding the monkeys. अरे मुझे तो आंटी आप ये रील का कंटेंट बनेगा. ये लो. आई जस्ट फेड मंकीज एंड ये काफी अलग एक्सपीरियंस था. काफी मजा आया. और ये इतने प्यार प्यार से खाते हैं ना. एंड गॉड ब्लेस दिस आंटी जो इनको फीड कर रही है यहाँ पे. आंटी इसका पैसा कौन देता है? पैसा इसके लिए पैसा मंदिर मंदिर से आते हैं. हम लोग जो डोनेट करते हैं जो चढ़ाते हैं अंदर वही आता है. ओके गुड.
कन्नडा बरल्वा कन्नडा नहीं इल्ले बाय आंटी बाय चलो यार काफी हो गया मंकी फीडिंग लेट्स गो नाउ दिस इज एक्चुअली वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड काफी सही था यार अब तो मुझे लग रहा है मैं बंदरों के साथ इतनी फ्रेंडली हो चुकी हूँ ना मुझे डर नहीं लग रहा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हें ये एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आना ही चाहिए डेफिनेटली बंदरों के लिए घर से खाना लेकर आओ या फिर यहाँ पर आके उनको फीड करो इट इज रियली गुड तो वहाँ पर इफ यू सी देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली आई डोंट नो जाके देखते थोड़ा दे हैव ऑल द बनानास ओके जी ओके तो अब इनको मिल रहे हैं यहाँ पे बनानास इफ यू सी ये भैया इनको फीड कर रहे हैं ये अपने आप में पार्टी चल रही है इनकी बहुत बंदर है भाई यहाँ पे बहुत कुछ तो चल रहा है यहाँ पे आई गेस ही सम बिग पर्सन हु केम हियर टू फीड मंकीज एंड आई डोंट नो नो आईडिया देयर इज अ कॉप आल्सो सो कोई पॉलिटिकल बंदा लग रहा है आई एम टेकिंग नींबू पानी इस बच्चे के पास बुके था नहीं मैं वापस नहीं दे रही मैंने वहां से फ्लावर ले लिया अरे यार नाउ आई गॉट द कंप्लीट बुके थैंक यू घर पे जाके अब इनके साथ फोटोज खिंचाई जाएंगी दिस इज एक्चुअली अलॉट बैक टू द बेस बहुत ज्यादा भीड़ है सम पॉलिटिकल गाइज हियर आई टोल्ड यू ना तो आई गॉट बुके इसमें तुम इंस्टाग्राम पे फोटोज देख लोगे मेरी इस फ्लावर्स के साथ और कचाम बिफोर आई लीव आई वुड लाइक यू टू नो दैट कि यहाँ पर काफ़ी जो लोकल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे नो ऑफेंस लेकिन मेरे को यहाँ बहुत सारे कपल्स भी दिखे तो आई मीन दिस मस्ट बी अ चिल आउट स्पॉट फॉर देम मे बी बट एनी वे चलते हैं वहाँ पर सब एक बड़ी इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग सी बात मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे पिछले कुछ वीडियोस जो मैंने कर्नाटका के पोस्ट किए हैं उसमें समहाउ मुझे ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार कन्नड़ा सीख लो एंड तुम्हें कन्नड़ा नहीं आती यू शुड नॉट इवन यू नो हैंग आउट हियर एंड ऑल दैट तो ठीक है सो अभी क्या हुआ अंतरगंगे पे जहाँ से मैंने वो कच्चा आम खरीदा वहाँ पर वो आंटी को हिंदी नहीं आती थी मुझे कन्नड़ा नहीं आती ऑब्वियसली तो आंटी ने बोला ऐसे इशारे से वहाँ तीन चार लोग और खड़े हुए थे कि यार हिंदी में इसको समझाओ तो आई मीन इट वॉज अ जेन्युइन एफर्ट फ्रॉम हर साइड कि कम्युनिकेट करें बिकॉज मेरे को कुछ पैसे वैसे का पूछना था तो शी वॉन्टेड टू यू नो कम्युनिकेट तो देर वॉज दिस गाय जिसने उसको कन्नड़ा में बोला बहुत ही लाउडली कि यार तुम्हें हिंदी बोलनी क्यों है तुम कन्नड़ा में ही बात करोगे तुम हिंदी नहीं बोलोगे और अब ये बात मुझे कैसे पता चली सो बेसिकली आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर ट्रिप लाइक अ डे ट्रिप विद अ फ्रेंड उसको कन्नड़ा थोड़ी बहुत आती है तो उसने वो चीज़ समझ ली एंड वो उसने मुझे बताया कि सी पीपल आर लाइक दिस हियर तो व्हाट टू से दिस इज़ वेरी सैड स्पेशली फॉर ट्रैवलर्स लाइक हम पूरे इंडिया में घूमते हैं इनफैक्ट बाहर भी अगर हम लैंग्वेज को इतना ज़्यादा कंसर्न या बैरियर समझ के बैठ ही जाए घर पर तो यार क्या होगा एनी वेज सो हियर इज़ दिस लेक ऐसी रैंडम सियातों में बैंगलोर में ना बड़ी सारी लेक्स दिख जाएंगी ऐसे आते जाते तो या इट्स अ नाइस व्यू थैंकफुली स्काई भी थोड़ा अच्छा हो गया अभी